तो राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च पहले के मुकाबले 43% बढ़ा दिया गया है। इस बार उम्मीदवार चुनावों में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पिछले साल ही सभी जगह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्चे को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से फिर सूचना जारी कर दी गई है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च लिमिट 40 लाख रुपए होगी। पिछली बार ये राशि 28 लाख रुपए थी। आयोग ने 10% राशि, जो जैसे आपने कहा CPI इंडेक्स या महंगाई, जो कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या होलसेल प्राइस इंडेक्स से आता है, उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने 30% राशि अभी हाल में ही बढ़ाई है। पहले पूर्व में 28 लाख के लगभग थी, फिर उसको 10% बढ़ाया था तो 2,80,000 बढ़ाई थी कोविड के समय में। उसके बाद एक कमेटी बैठी थी जैसे आपने कहा कि महंगाई को देखते हुए, तो उसने असेसमेंट करके अब 40 लाख हो गया है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए खर्चे के। राजस्थान चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च अब 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए होगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और राजस्थान में स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद में अब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च में 40 लाख तक रुपये खर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। फिलहाल जो राजस्थान के अंदर चुनाव की अगर बात की जाए तो साल 2018 में पिछले चुनाव में प्रति उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट थी, लेकिन इस बार महंगाई को देखते हुए पहले कोविड काल के बाद में 10% का इजाफा किया था, उसके बाद में करीब 30% का इजाफा अब करते हुए ये लिमिट 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दी है। इस बार का चुनावी खर्च ये माना जा रहा है कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा होगा और मैदान में उम्मीदवार भी काफ़ी होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।